अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद और आज हम बात करने जा रहे हैं सीज़न 7 रॉयल पास पर और क्या क्या चीज़ नई सीज़न में आ रही है, कौन सी न्यू स्किन आ रही है, कौन से कॉस्ट्यूम आ रहे हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ मौजूद बेल आइकॉन पर क्लिक करो ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सीज़न 7 रॉयल पास के बारे में। तो ये लीजिए, सीज़न 7 रॉयल पास का जो एंट्री है वो कुछ इस तरह का है, ये आप लोगों को स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हुए हम पहुँचते हैं यहाँ पे कॉस्ट्यूम पर। यहाँ पे हमारे पास दो तरह के कॉस्ट्यूम हैं जो कि 100 आरपी कंप्लीट होने पर रिवार्ड के तौर पर हमें मिलेंगे। हमें इनमें से एक को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे हमारे पास जो दो कॉस्ट्यूम मौजूद हैं उसमें पहला है अर्बन स्कार्वेंजर और दूसरा है असॉल्ट स्क्वाड। दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त हैं, ब्लैक कलर में हैं, तो मुझे दोनों ही बहुत पसंद रहे हैं। लेकिन आप लोगों को इसमें से कौन सा पसंद आया है आपने नीचे कमेंट बॉक्स पे मुझे बताना है। तो आगे बढ़ते हुए हम पहुँचते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे सामने आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि एरोप्लेन है और साथ ही इसके जो हमारा प्लेयर है वो जंप करके नीचे आ रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसके पाँव की तरफ से एक ट्रेल निकल रही है पर्पल कलर की, और जो कि एक न्यू चीज़ और न्यू फीचर इन्होंने अंदर ऐड किया है इसके। और एरोप्लेन की जो स्किन है वो बहुत ही कमाल की है, ब्लैक और पर्पल कलर का कम्बिनेशन है इसमें। तो आप में से हर कोई चाहेगा कि वो अपने दोस्तों को इस प्लेन पर घुमाए। तो यहाँ पे हमारे सामने मौजूद हैं वेपन की न्यू स्किन। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा दोस्तों यहाँ पे कि हमारे सामने यहाँ पे दो वेपन्स को दिखाए गए हैं न्यू स्किन के साथ। पहला जो कि है वो AKM है, दूसरे कार 98 है। दोनों की स्किन जो सी है वो बिल्कुल न्यू है यहाँ पे इस वक्त। और दोनों की स्किन मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी तो बहुत ही मज़ा लगी थी कि इस तरह की स्किन को मैंने टीवी में देखा है, मूवीज़ में देखा है। तो यहाँ पे अब हमें गेम खेलने के दौरान भी ये स्किन मिलेगी। तो साथ ही आप लोगों को दो हेलमेट नज़र आ रहे हैं, एक न्यू डिज़ाइन है। ब्लैक वाला हेलमेट तो बिल्कुल जो कॉस्ट्यूम है उनके ऊपर इस्तेमाल होगा, ग्रीन वाला क्यों बना यहाँ पे मुझे इसकी समझ नहीं आती कि ग्रीन वाला हेलमेट को हम कहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि ग्रीन वाला कलर जो है इस तरह का हमारे पास कोई कॉस्ट्यूम नहीं है यहाँ पे जो इस वक्त न्यू आ रहा है। पीछे आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे दोस्तों पैराशूट विनर विनर चिकन डिनर जिसके ऊपर लिखा हुआ है। तो एक रूमर ये भी है कि दो पैराशूट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अभी जो हमारे सामने फोटो है उसमें सिर्फ एक पैराशूट है। तो जैसे ही कोई न्यू पैराशूट या कोई न्यू अपडेट आती है तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल अगली वीडियो में लाजमी शेयर करूँगा। इन दोनों वेपन्स में से आप लोगों को कौन सा वेपन ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है, अच्छा लग रहा है, उसको आपने अपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया यहाँ पे आप लोगों को, वो ये कि रूमर चल रही है कि और गन आ रही है जिसका नाम है स्कॉर्पियन, कि वो भी सीज़न 7 में शामिल की जा रही है। ये बेसिकली यूजर से मिलती जुलती है और इसमें 9mm के एमओ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमारे सामने मौजूद हैं इस वक्त सीज़न 7 के रॉयल पासेस। तो दोनों में तकरीबन सब कुछ सेम ही है, लेकिन जो एलीट अपग्रेड प्लस है क्योंकि उसमें प्लस का नाम ऐड किया गया है तो उसमें बाजार की बात और नई चीज़ ऐड होगी। एलीट अपग्रेड इस वक्त है 600 UC का, जबकि एलीट अपग्रेड प्लस जो है वो है 1800 UC। तो बाय करने पर हमें मिलने लगे हैं यहाँ पे इमीडिएटली 4000 UC वर्थ के रिवॉर्ड, जबकि प्लस पे मिलने लगे हैं हमें इमीडिएटली 10000 UC वर्थ के रिवॉर्ड। तो दोनों में 100 रिवॉर्ड अनलॉक हो रहे हैं तो रैंकिंग अप करने पर, और एलीट मिशन भी अनलॉक किए जा रहे हैं। एक और बात बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे, अगर आप लोगों ने सीजन 6 में कोई रॉयल पास परचेज किया है तो उसके 5 रैंक प्लस एलीट अपग्रेड प्लस के 25 रैंक, इसको स्किप करके आप लोग डायरेक्ट 31st रैंक पर पहुंच जाओगे। एलीट अपग्रेड प्लस पे हमें साथ ही साथ यहाँ पे मिल रहा है, एलीट अपग्रेड प्लस में हमें मिल रहा है यहाँ पे सोरिंग ईगल पैन जो कि मुझे बहुत पसंद आया है, और नीचे हमें इमोट मिल रहा है स्वाइंग अवे का। ये सीजन 6 में भी शामिल किया गया था, इन्होंने सीजन 7 में अब क्यों शामिल किया, मुझे लगता है यहाँ पे इनको कोई नई चीज़ ऐड करनी चाहिए थी। तो साथ ही साथ हमें इसमें मिल रहा है एलीट पास प्लस एक्सक्लूसिव का, ये एक फ्रेम है एनिवर्सरी अवतार फ्रेम सीजन 6 का। अब ये भी उन्होंने क्यों ऐड किया इसकी मुझे समझ बिल्कुल नहीं आई। एक तो और दोनों पास हमें मिलने लगे हैं यहाँ पे 600 और 1800 UC में, और दोनों जो पासिस हैं ये नॉट रिफंडेबल आइटम के में शामिल किए गए हैं। एक और नई चीज़ जो इन्होंने इस सीज़न में शामिल की है वो है पर्क, यानी कि PR ईजी मिशन लाइसेंस, इसमें पर्क शामिल किए गए हैं। मतलब कि अगर सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल वर्ड में कुछ ऐसा है कि अगर आप लोगों ने इस मंथ इस वीक के मिशन कंप्लीट कर लिए हैं तो ये पर्क आपको ये फैसिलिटी देगा कि आप लोग नेक्स्ट वीक के भी मिशन को अनलॉक करके उनको कंप्लीट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं हम देखते हैं यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे मेडल्स दिए गए हैं रैंक 1 से लेकर रैंक
रैंक 10 तक। आगे देख सकते हो 11 के यहाँ पे इन्होंने खाली जगह छोड़ी हुई है। कमिंग फोन कभी भी आ सकता है, जैसे ही आएगा मैं आपको अपनी वीडियो में लाजमी शेयर करूँगा। लेकिन करना वही है कि अगर आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अगली वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स पे आप लोगों ने अपना लाजमी फीडबैक देना है। और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर सुनना चाहते हो वो आप लोगों ने लाजमी कमेंट बॉक्स पे शेयर करना है। जो सबसे ज़्यादा मेरे पास कमेंट आएगा उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सीजन 7 इन्फॉर्मेशन लाजमी पसंद आई होगी। हमें वेट करना है 16 मई का, क्योंकि 16 मई के बाद सीजन आने लगा है सीजन 7। तो उससे पहले हम सब बस ये अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि क्या क्या नया होगा। लेकिन जो यहाँ पे रूमर चल रही हैं वो तो ये बता रही हैं कि ये कुछ नया आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।